हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसके एजुकेटर। तो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जो कि प्रिंसिपल मैथमेटिकल ऑफ इंडक्शन पर होगा। जैसा कि हिंदी में कहते हैं हम लोग, गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम लोग को ये प्रूफ करना है कि इतना होता है। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत होता क्या है, आप लोग को सबसे पहले बता दे रहे हैं। इस सिद्धांत में क्या होता है, दिए गए कथन को हम लोग एन बराबर एन के लिए प्रूफ करते हैं, फिर उसके बाद से मान लेते हैं एन बराबर के लिए कथन सत्य है, उसके बाद से सिद्ध करते हैं कि वो कथन जो होता है n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या होता है, सत्य होता है। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले केस 1, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, या pn है, क्या है pn 1/2 इंटू, देखिए इंटू है, ये नहीं कि पॉइंट नहीं है, क्या है इंटू है, ठीक है ना, 1 × 2 × 3 प्लस 1 × 2 × 3 × 4, ठीक है, प्लस ऐसे ही करके लिखा है, लिख दे रहा हूँ इसको भी, 3 × 4 × 5 प्लस डॉट 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 डॉट, ये आपका हो गया यन एन प्लस 1 और यन प्लस 2। ये जितने भी दिख रहे हैं आप लोगों को, इन सबको समराइज किया गया है, इन सबको जोड़ा गया है तो इतना आया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यन और यन प्लस 3 अपान क्या हो जाएगा, 4 यन प्लस 1 और यन प्लस 2, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग n बराबर 1 रखेंगे, क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 रखने पर, है ना, जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए n इक्वल टू 1 अगर लेफ्ट में रखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, जो सीरीज दिया हुआ है, यानी जो सिक्वेंस या फिर सीरीज जो दिया गया है, इसमें n इक्वल टू 1 का मतलब ये हो गया कि पहला टर्म है ना, n इक्वल टू 2 का मतलब होता है 2 गो टर्म, n इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा, 3 गो टर्म। तो जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, पहला टर्म होगा, और पहला टर्म कितना होगा, कितना होगा, 1/1 × 2 × 3, यानी कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, और ये इसके बराबर, यानी यहां पर भी तो हमको रखना पड़ेगा n इक्वल टू 1, तो रखिए, तो 1 फिर 1 प्लस 3 फिर नीचे क्या होगा, 4 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 फिर 1 प्लस 2, ठीक है। इसको हम दो पार्ट में कर ले रहे हैं थोड़ा सा जगह बचाने के लिए, ठीक है। तो P1 कितना हो गया, देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, कितना आएगा, 1/6 आएगा, हाँ क्या सुबह आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चों को समझ में नहीं आता है 11th में, वो इस सोच रहे होंगे सबना सिलेबस में से डिलीट हो गया है, छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन हम बस इसलिए बता रहे हैं कि इसका यूज क्या है, 12th में है, एक लड़का देखा भी था 12th में यूज था, है ना, एक दिन दिखाए थे भी, वो आओ दिखाओ, दिखा देता हूँ कि 12th में इसकी यूज है, एक लड़की भी उस दिन आई थी देखने के लिए, देखी थी ना तुम, हाँ देखी थी ना, तो ये देखो ये हो गया 4 हो गया ना, 4 हो गया ऊपर, नीचे क्या होगा, 4 × 2 × 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया, 6, यानी n इक्वल टू 1 के लिए क्या है, यह जो स्टेटमेंट है क्या है, सत्य है, क्या है यह, n इक्वल टू 1 के लिए क्या है, कथन हमारा सत्य है, यानी कि कथन क्यों सत्य है भाई, ये जो स्टेटमेंट है कैसे सत्य हो जा रहा है, लेफ्ट में क्या है हमारा 1/6 है, और राइट में भी क्या आ गया हमारा 1/6 आ गया, तो कह देंगे कि स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अगर हम चाहते हैं और देखना कि स्टेटमेंट अन्य वैल्यू के लिए सही है कि नहीं सही है, तो अपने मन के लिए, अपने संतुष्टि के लिए n इक्वल टू 2 रख लीजिए, जब 2 रखेंगे तो इन दोनों टर्म को लेंगे, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 रखने के बाद से जो आंसर आएगा दोनों बराबर आएगा। आप लोग करके चेक कर लीजिएगा कि n बराबर 2 के लिए कथन सत्य है कि नहीं है, है ना, अगर कथन सत्य होगा तो कमेंट में जवाब दीजिएगा यस, अगर नहीं होगा तो नो दीजिएगा, है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं इसके आगे, आप क्या करेंगे, मान लेंगे क्या है, जो स्टेटमेंट है n इक्वल टू के लिए सत्य है, हाँ माना कथन n इक्वल टू के लिए सत्य है ना, n इक्वल टू के लिए क्या है, सत्य है। जब सत्य है इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर n है वहां पर हम लोग k को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी पुट कर सकते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग n इक्वल टू के रखें, यानी कि अगर हम यहाँ पर रखें पीके, इसे हम कहेंगे पीके, है ना, यहाँ पे 1/1 × 3 + 1 × 2 × 3 × 4 प्लस डॉट 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 डॉट, है ना, ठीक है, ये हो गया 1/n n + 1 n + 2, है ना, इसको छोड़ दिए, प्लस में है भाई, दो ही टर्म तो बस लिखे हैं,
अच्छा के, हाँ ठीक है ना, एन की जगह के हो जाएगा, ठीक है, अच्छा बात है। तो हो गया हमारे एन की जगह पे के, इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर भी हो जाएगा, राइट में भी के ब्रैकेट में के प्लस थ्री, ठीक है, और हो गया फोर ब्रैकेट में के प्लस वन, के प्लस टू, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये मान लिया है क्या, ये जो कथन है एन बराबर के के लिए क्या है, सत्य है ना। जब सत्य है, यही में बच्चे समझ नहीं पाते हैं इसके बाद वाला स्टेप क्या करें, मैक्सिमम बच्चों को इसके बाद का स्टेप नहीं आता है और वही क्वेश्चन छोड़ देते हैं। छोड़ देंगे तो भाई 11 में तो काम चल जाएगा, इन 12 में काम नहीं चल पाएगा ना, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश करो, ठीक है, ये नहीं कि अब छोड़ के चले जाएं, छोड़ देंगे आदत पड़ जाएगी, जब छोड़ने की आदत पड़ जाएगी तो 12th में फेल होने की आदत बढ़ जाएगी, है ना। जितना छोड़ेंगे उतना ही फेल होंगे, है ना, और एक बार दो बार फेल होंगे तो घर के लोग माई बाप लाते से मार के भगा दिया लोगन, फिर जाके छेला वाला चलेबा लोगन, है ना। ऐसे बढ़िया ये है कि वो लोग पढ़ ले लोग, ठीक है। तो चलो भाई ये ट्रू है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर वन, इतना इक्वल इतना है ना, कि इतना नहीं है, है ना। ये इसको हम, इसके इक्विवेलेंट रखा गया, इन्होंने इसके समतुल्य रखा गया है पीके को, है ना। अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि जो कथन है एन बराबर के प्लस वन के लिए क्या है, सत्य होगा, है ना, ठीक है ना। अब हम सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे कि कथन एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य होगा, लिए सत्य होगा, है ना, सत्य होगा। अब सत्य कब होगा, है ना, सत्य कब होगा, जब हम लोग ये दिखा दें, अगर इधर के है, इधर के जहां जहां के है उसी प्रकार से जब के प्लस वन इधर होगा, इधर भी के प्लस वन हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि क्या हमारा कथन जो है एकदम क्या हो गया, सत्य हो गया। तब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें के प्लस वन टर्म का पता लगाना पड़ेगा। तो के प्लस वन टर्म कहाँ मिलेगा, के प्लस वन टर्म हमें के एथ टर्म से मिलेगा, है ना। ऐसे यहाँ पे हम कहें तो यह नवा पद है, एना टर्म, तो यहाँ पे कहेंगे क्या है, के एथ टर्म है ना। तो के प्लस वनवा पद निकालना होगा, देखिए के प्लस वनवा पद क्या होगा, के प्लस वनवा पद क्या होगा भाई, जहां पर के है वहां पर के प्लस वन हो जाएगा, यानी के प्लस वन, ठीक है, फिर के प्लस टू, फिर के प्लस थ्री, है ना। यानी कि इतना हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में, यानी इक्वेशन वन के दोनों साइड में हम लोग ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, के प्लस वन पद, के प्लस वनवा पद का जो वैल्यू आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में ऐड कर देंगे, इन करते हैं, ठीक है, ऐड कर ले रहे हूं। देखिए कहां पे भाई, देखिए पी के प्लस वन अब हो गया, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपान वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस वन अपान टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस डॉट 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 डॉट, जगह कम है इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहे हैं, तो एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ये क्या होगा, के डायरेक्ट लास्ट टर्म लिख रहा हूँ, के प्लस वन टर्म क्या होगा, के प्लस वन, फिर के प्लस टू, फिर के प्लस थ्री, इतना हम जोड़े हैं ना। उधर राइट में भी जोड़ेंगे, राइट में पहले क्या है, ये है कहाँ गया, के ब्रैकेट में के प्लस थ्री अपान में फोर ब्रैकेट में के प्लस वन, फिर क्या होगा, के प्लस टू, है ना। इतना तो हमारा क्या है, लास्ट का मतलब ये इक्विवेलेंट था। अब हम जो ऐड किए दिख रहे हैं, यही ना ऐड किए हैं, वन अपान के प्लस वन और के प्लस टू और के प्लस थ्री, तो क्या हो जाएगा, वन अपान के प्लस वन, के प्लस टू, फिर क्या होगा, के प्लस थ्री। अब हमारा इधर का तो हमें दिख रहा है के प्लस वन टर्म तक तो है, अब हम लोग क्या करें, इस वाले राइट को भी हम शो कर देंगे तो हम प्रूफ कर, हो जाएगा प्रूफ। तो यहाँ पे देखिए दो टर्म है, नीचे देखिए के प्लस वन और के प्लस टू कॉमन है, ठीक है ना, दोनों में नीचे के प्लस वन और के प्लस टू है, ठीक है, अब देख कॉमन दिख रहा है, के प्लस वन के प्लस टू, अब देखिए क्या बचा है, ऊपर बचा है के, है ना, और के प्लस थ्री, अपान में कितना बचा है, फोर बचा है ना, यहाँ क्या बचा है जी, वन अपान के प्लस थ्री। अब इसी को हमको सॉल्व करना है ना, इसी को सॉल्व करना है और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, एलसीएम लेकर करेंगे, है ना, एलसीएम लिए होगे, जो कर लिया होगा वो जानता होगा, एलसीएम लिया होगा,
और कोई इसका ऑप्शन नहीं है ना। अब कुछ कॉमन लेने वाला जो था उसको हमने कॉमन ले लिया है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा इसका भाई, फोर ब्रेकेट में के प्लस थ्री होगा, है ना। जब फोर से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो के ब्रेकेट में के प्लस थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहले से के प्लस थ्री मौजूद है इसलिए होल स्क्वायर हो गया। इधर क्या हो जाएगा, जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, फोर आएगा। अब हो गया, अब देखिए के प्लस वन और के प्लस टू, ठीक है। अब तोड़ देते हैं स्क्वायर, तोड़ दें तो के ब्रेकेट में के स्क्वायर प्लस सिक्स के प्लस नाइन ब्रेकेट में अपान फोर, प्लस फोर अपान फोर ब्रेकेट में के प्लस थ्री, ये हो गया। फिर अभी क्या करना पड़ेगा, के का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा तो वन अपान के प्लस वन के प्लस टू। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, के क्यू, के क्यू प्लस सिक्स के स्क्वायर प्लस नाइन के प्लस फोर अपान में कितना हो गया, फोर ब्रेकेट में के प्लस थ्री, ठीक है। अब इसे क्या करना पड़ेगा, हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, है ना। इसको फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम लोग, ये क्या है, त्रिघात बहुपद एक तरीके का है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो रिमाइंडर का थ्योरम लगाना पड़ेगा, आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा किससे कट रहा है वो, नहीं तो अगर इसमें से स्प्लिट कर लेंगे, देखो किससे किससे कट रहा है, कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कॉमन चार टर्म है, दो दो चार टर्म है, इसका कॉमन लेंगे के स्क्वायर तो के प्लस सिक्स बचेगा, अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए इससे हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इतना हो जाने के बाद सॉल्व कर रहे हैं, इतना नोट करो, बता रहे हो गया। देखो जी ये देखो भाई, इसको हम लोग सेसफल प्रमेय से, यानी कि जब नाइन्थ रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया गया होगा उसके माध्यम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्या होता है, के है, के का वैल्यू रखेंगे, जैसे मान लो हम के का वैल्यू मान लो माइनस वन रख दिए, के का वैल्यू माइनस वन रखेंगे, माइनस वन रखेंगे तो क्या होगा, माइनस वन का क्यूब होगा, ठीक, यानी माइनस वन हो गया। यहाँ रखेंगे तो प्लस सिक्स होगा, यहाँ रखेंगे तो माइनस में नाइन होगा, और यहाँ रखेंगे तो फोर, तो फोर ही होगा। तो देखिए छः और चार कितना होगा, प्लस दस हो जाएगा, और नौ एक दस हो जाएगा, यानी दोनों क्या हो जाएंगे सब जीरो हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, जब के की वैल्यू जितना रखने पे जीरो हुआ है उसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, है ना, इसका गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। तो आप लोग आराम से इससे इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड करने के बाद से जो आएगा कोशेंट क्या होता है, डिवाइडेंट बराबर होता है कोशेंट प्लस कोशेंट इंटू डिवाइडेंट इंटू डिवाइडेंट इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडर इक्वल टू, लो भाई भाज्य बराबर होता है, हिंदी में लिख लो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। यानी कि डिवाइडेंट इक्वल होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। तो आप लोग उसको कर लीजिएगा, तो हम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको डिवाइड कर जगह नहीं है इसलिए बता नहीं रहे हैं, इसलिए जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा के प्लस टू, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपका के प्लस वन इंटू क्या आएगा के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस फोर आएगा, और नीचे का क्या है फोर ब्रेकेट में के प्लस थ्री, ठीक है। देखिए तो के से के ये वाला कट गया, अब इसे क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड कर देंगे, तो वन अपान ऊपर क्या है गुणनखंड, जब करेंगे इसको देखिए इसका इसमें गुणा करते हैं, ये सब बेसिक चीजें हैं, चार एकम चार होगा, चार के गुणनखंड से क्या लाना है पांच लाना है, तो चार और एक होगा, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, x प्लस वन सॉरी x नहीं यहाँ पे k है, k प्लस वन और k प्लस क्या होगा फोर होगा, है ना, ठीक है। देख लीजिएगा k इंटू गुणा करेंगे तो अभी इतना आ जाना चाहिए, तो k प्लस टू फोर है यहाँ पे और k प्लस थ्री, ठीक ये आपका आ गया, ठीक है ना। इसको गुणनखंड करेंगे भाई, दस में पढ़े हैं नौ में पढ़े हैं तो इतना तो आपको जानकारी होगी ही, इसे आप गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। नहीं कर पाएंगे तो कमेंट कर दीजिएगा बता देंगे, है ना। तो क्या होगा के प्लस वन के प्लस फोर हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस वाले से तुलना करेंगे, देखिए कैसे, अगर देखें हम पी के यहाँ पे के था के प्लस थ्री था, लेकिन यहाँ पी के प्लस वन जब हुआ है तो क्या होगा के प्लस वन हो गया है और एक यहाँ भी बढ़ गया है। देखिए कैसे लिखते हैं हम इसको, के प्लस वन इसको लिख सकते हैं के प्लस वन प्लस थ्री, है ना। नीचे भी देख लीजिए फोर ब्रैकेट में के प्लस वन प्लस वन, फिर क्या होगा के प्लस वन प्लस टू,
यानी ये किसके बराबर है, इधर लेफ्ट में जो डॉट 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 चल के आ रहा है इसके बराबर है, और इधर इक्विवेलेंट किसके है, पी के प्लस वन के इक्विवेलेंट है ना। देखिए जब यहाँ पर के प्लस वन हुआ है तो जहां जहां के था वहां वहां क्या हो गया, के प्लस वन हो गया है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे के के प्लस थ्री यानी के इधर क्या हो गया, के प्लस वन हो गया। यहाँ पे थ्री है तो थ्री है, के प्लस वन हो गया। फिर यहाँ पे वन है तो वन है, टू है तो टू है। यानी देखने में यही दिख रहा है जहां जहां यन था वहां वहां के हुआ था, जहां जहां के था वहां क्या हो गया, के प्लस वन हो गया। इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या है, यन बराबर के प्लस वन के लिए क्या है, यह सत्य है। इसलिए क्या हो जाएगा, यह जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है यानी कि गणितीय आगमन का सिद्धांत है वो यही कहता है कि अगर n बराबर k के लिए सत्य मान लेते हैं और k प्लस वन के लिए सत्य हो जाता है तो जो दिया गया क्वेश्चन होता है वो n के सभी मान के लिए क्या होता है, वो सत्य होता है। अतः हम कह सकते हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये जो कथन है n के सभी मानों के लिए क्या है, सत्य है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है।